हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशन्स, फैमिली पेंशन्स और कर्मचारियों के लिए चार बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है मार्च पेंशन में डीओ को लेकर के, 50% डीओ को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। क्या मार्च मंथ की पेंशन में आपको 50% डीओ मिलेगा, क्या अप्रैल मंथ की पेंशन में मिलेगा, या बीच में कभी भी आपको इसका एरियर्स मिलेगा, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा बड़ा खबर आ रही है एंट्री पे लेवल के एरियर्स को लेकर के। आपको बता दूं, एंट्री पे लेवल के एरियर्स को लेकर मैं पहले भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका था कि आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस है। और इसके अलावा उनके लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का भी प्रावधान रखा गया है। रिकॉर्ड ऑफिस से लेकर के बहुत सारे अपडेट लेकर आए, वो भी है। अगला जो बड़ी अपडेट है वो है एर्थ पे कमीशन को लेकर के। पेंशनर्स एसोसिएशन ने क्या बोला है, सारी चीज़ें अपडेट बताएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रुख है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और लास्ट जो बड़ी खबर होगी वो 18 मंथ के डी ओ डी आर के एरियर्स पर मैं देने वाला हूँ। इसलिए इसमें कई सारी अपडेट होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ या फिर चैनल पर हमारा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे चैनल पर आपकी कोई भी समस्या है, चाहे पेंशन की हो, सैलरी की हो, आपके पेंशन के जो अदर बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के वेलफेयर से रिलेटेड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन और अपडेट्स दिए जाते हैं। चलिए लेकर चलते हैं पहली बड़ी अपडेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मार्च मंथ जो आपका 46% से 4% बढ़ोतरी को लेकर के एक ऑफिशियल सर्कुलर जो जारी कर दिया गया था, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ने अपने अपने लेवल पर जो डीए और डीआर का जो उसको लिया था 50%, उसके बाद में एक पेंशन से ये बोला कि उनको मार्च मंथ की पेंशन में मिलेगा या अप्रैल मंथ की पेंशन में 50% डीए बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपका जानकारी के लिए बता दूँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्च मंथ की जो पेंशन अब आपकी आएगी उसी में आपको बढ़ा हुआ डीए मिलने वाला है। साथ ही साथ में 2 मंथ का डीए का एरियर्स यानी कि जनवरी फरवरी का एरियर्स भी आपको पहले या फिर पेंशन के बाद में यानी अप्रैल मंथ में भी कभी भी मिल सकता है। तो वो भी एक बड़ा इसमें अपडेट है कि आपको मार्च मंथ की पेंशन के साथ में मिलेगा। अगर आपके खाते में आपने पेंशन स्लिप देख ली हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके मार्च मंथ की पेंशन में क्या 50% डीए ऐड होकर आया है या नहीं आया है। वैसे मुझे लगता है कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों की सैलरी में ये ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कर्मचारियों की सैलरी में तो 100% श्योर कि मार्च मंथ में ही उनको मिलेगा और एरियर्स उनको कभी भी प्रोवाइड करा दिया जा सकता है। लेकिन पेंशन के जो उसमें सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए पेंशन हो सकता हो कि कई सारे पेंशनर्स की पेंशन में 50% डीए इस बार लग करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि 50% पेंशन के साथ में ही आपको जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान करने के साथ आपकी बढ़ी हुई पेंशन इस बार देखने को मिल सकती है। आपको लेकर चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो कि आ रही एंट्री पे लेवल के एरियर्स को लेकर के। तो ऐसे पेंशनर्स जो 1/1/2006 के समय पर अपने एंट्री लेवल पे एरियर्स का नहीं ले पाए थे एरियर्स, तो अब बहुत सारे उसके बाद में बहुत सारे पेंशनर्स थे जिनको 2021 में, 2016 में, 2022 तक एरियर्स प्रोवाइड हुए, लेकिन उसके बाद में उनको एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराएगा। लेकिन उसके बाद में कई सारे पेंशनर्स ने, मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया, उसके बाद में उन्होंने जो है प्रोसेस बताई, प्रोसेस के बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भी सारे अपडेट्स लिए और अब वो उनको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल रहा है। तो मैं बता दूं, जो 6 पे कमीशन में 1/1/2006 से जो पे कमीशन आया था, 6 पे कमीशन, उसके बाद में उनको जब वो 7 पे कमीशन में एंट्री किए तो वहाँ से उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला, और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलने के चलते उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं मिला है या फिर एंट्री पे लेवल का एरियर्स ही नहीं मिला है, तो आप वो भी बताइएगा। हम एक वीडियो पूरा फिर से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे मिलेगा या फिर 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो आपको मिलने वाला है 7 CPC में रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, ये सारे अपडेट्स हम आपको उसमें वीडियो में बता देंगे और आपको उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट खबर पर लेकर चलते हैं या नेक्स्ट अपडेट पर लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। अभी आपको पता है कि जो
आचार संहिता लिखने से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के एसोसिएशन ने सरकार को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की, यानी कि एक कमेटी बनाने की एक सरकार से रिक्वेस्ट की थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें वेतन आयोग का गठन जब 2016 में हुआ था तो 2014 में एक कमेटी बनाई जा चुकी थी और उस कमेटी के बाद में जो है फिर उसके बाद उसके जो रिकमेंडेशन थे वो लिए गए थे। तो इसी के बेसिस पर अब पेंशनर्स एसोसिएशन ने और कर्मचारियों की फेडरेशन ने सरकार से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक रिक्वेस्ट की है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के कमेटी गठित की जाए जिससे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ ना कुछ आगे अपडेट्स में निकल कर आए। तो आगे आने वाले दिनों में कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन हालांकि सरकार ने पहले क्लियर कर चुकी है कि वो 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं बोला था कि 8वें वेतन आयोग नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ इतना क्लियर बोला था कि 8वें वेतन आयोग का अभी प्रपोजल है वो उन प्रेजेंट में नहीं है, आगे आके अपडेट्स जो भी होंगे वो आपको जरूर बता देगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग आएगा और उसके लिए कमेटी भी गठित होगी, थोड़ा सा टाइम निकलेगा। जैसे जैसे 2024 में 2024 के एंड तक सितंबर अक्टूबर तक कमेटी बनाई जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसके बाद उसके रिकमेंडेशन होंगे और 2026 तक कोई ना कोई पे कमीशन या फिर कुछ और पेंशन में रिविजन से रिलेटेड अपडेट कोई ना कोई निकल कर जरूर आ जाएगा। लेकर चलते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट पर जो कर आ रही है 18 मंथ्स डीए और डीआर के एरियर्स पर। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पेंशन और फैमिली पेंशन की एसोसिएशन ने सरकार से रिक्वेस्ट करके बोला था कि वो 18 मंथ्स का डीए एरियर्स दिए। बेसिकली एक मेमोरेंडम सरकार ने दिया था जिसमें एक मेमोरेंडम यूनियन ने दिया था जिसमें कई सारे बड़े सरकार से डिमांड्स थी, जिसमें 8 पे कमीशन था, 18 माह का डी और डी आर का एरियर्स भी था और भी कई सारे अपडेट्स थे। हालांकि मैं दो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वही बता रहा हूं और आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने 18 मंथ्स के डी और डी आर के एरियर्स पर देने को मनाही कर दिया था, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप एक बार में पैसा नहीं दे सकते हैं पेंशनर्स और कर्मचारियों का तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में यह पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। अब इसी बीच में ये निकल कर आ रही है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 18 मंथ्स का डी और डी आर आगे आने वाले दिनों में कभी भी मिल सकता है। हालांकि ये मीडिया में भी खबरें आई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि अब 18 मंथ का डी और डी आर का एड्रेस आपको अब खातों में पहुंचाया जा सकता है। मैं पहले भी क्लियर बोल चुका हूं, लेकिन जो मीडिया में खबरें आई थी वो मैंने आपको बताई है क्योंकि एक पेंशनर्स ने भी ये पूछा था कि क्या उनको 18 मंथ्स का डी और डी आर का एड्रेस मिलेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही थी कि मार्च मंथ की पेंशन आपकी डिले होगी, तो वो एक स्वाभाविक है, वो हर साल डिले नहीं होती है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर एंड होने जा रहा है जिसके चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों और फैमिली पेंशन सभी के पेंशन अप्रैल मंथ में ही आएगी, उसमें डिले होने का जैसा कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। वो हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर उसमें पेंशन में आगे जाके उसमें अप्रैल मंथ में ही पेंशन आती है, उसमें कोई भी चीज़ों में किसी भी टाइप से कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको पेंशन आपके टाइम पर ही मिलेगी, बस ये फाइनेंशियल ईयर एंड है इसलिए आपको पेंशन आपके खातों में थोड़ा सा डिले हो सकती है। तो आप हमें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा और साथ ही साथ आप हमें एंट्री पे लेवल पर एरियर